आज हम प्लान देखेंगे 21 फीट बाई 17 फीट का, यानी आज हम घर का नक्शा देखेंगे जिसका लेंथ हमारा 21 फीट का है और जो ब्रेथ है वो 17 फीट का है। तो बेसिकली ये जो हमारा प्लान है ये फ्रंट हाउस प्लान है, यानी फ्रंट में रोड आएगा और फ्रंट से ही वेंटिलेशन मिलेगा और एक यहाँ बैक साइड से वेंटिलेशन मिलेगा। तो दो साइड से हमको वेंटिलेशन मिलेगा, एक फ्रंट साइड से आपको लाइट और एयर मिलेगी और एक यहाँ पीछे बैक साइड से लाइट और एयर मिलेगी। और बाकी जो दो साइड है वो दोनों साइड क्लोज्ड आएंगे, वो दोनों साइड घर आएंगे। तो गाइज ये प्लान जो मैंने बनाया है एक हमारे सब्सक्राइबर है उनके डिमांड के अकॉर्डिंग बनाया है। गाइज अगर आपको भी आपका प्लान बनवाना हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, तो आपके रिक्वायरमेंट और डायमेंशन के हिसाब से मैं प्लान बना के बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा चैनल पे। तो गाइज आप वीडियो पूरा देखिए तो आपको प्रॉपरली पूरा समझ में आएगा। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा एंट्रेंस यहाँ 21 फीट के साइड से है, तो 3 फीट के डोर से हम अंदर जाते हैं हॉल के अंदर। हॉल का जो साइज़ है वो 10 फीट इंटू 10 फीट 6 इंच का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 10 फीट का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 10 फीट 6 इंच का है। हॉल के अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये खिड़की दिया है, आप यहाँ पे 4 फीट से 5 फीट का खिड़की प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये खिड़की हमारा यहाँ फ्रंट में ओपन होगा तो आपको यहाँ से वेंटिलेशन मिल जाएगा हॉल के अंदर। हॉल के बाजू में यहाँ पे हमारा ये 2 फीट 6 इंच का ये ओपन स्पेस दिया है, इससे हम अंदर जाएंगे किचन के अंदर। किचन का जो साइज़ है वो 9 फीट 10 इंच इंटू 6 फीट 6 इंच का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 9 फुट 10 इंच का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 6 फीट 6 इंच का है। किचन के अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये खिड़की दिया है, तो ये खिड़की हमारा यहाँ फ्रंट में खुलेगा तो आपको यहाँ से वेंटिलेशन मिल जाएगा किचन के अंदर। किचन से हम बाहर आए तो इस तरफ हमारा इसके बाजू में ये दरवाज़ा दिया हमारा 2 फीट 6 इंच का, इससे हम अंदर जाएंगे बेडरूम के अंदर। बेडरूम का जो साइज़ है वो 9 फीट 10 इंच इंटू 9 फीट 6 इंच का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 9 फुट 10 इंच का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 9 फुट 6 इंच का है। बेडरूम के अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये खिड़की दिया है, तो आप यहाँ पे 4 फीट से 5 फीट का खिड़की प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये खिड़की हमारा यहाँ बैक साइड में खुलेगा तो आपको यहाँ से वेंटिलेशन मिल जाएगा प्रॉपरली बेडरूम के अंदर। बेडरूम से हम बाहर आए तो ये हॉल के कॉर्नर में यहाँ पे ये स्टेयर्स दी है, सीढ़ियाँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। तो हम यहाँ से चढ़ेंगे और यहाँ से टर्न होके सीधा ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे। और जो स्टेयर्स के नीचे की जगह है, यानी जो सीढ़ियों के नीचे की जगह है, हम उसे यूज़ करने वाले हैं टॉयलेट प्लस बाथरूम एरिया के अंदर। तो यहाँ हॉल के कॉर्नर में ये डोर दिया है, दरवाज़ा दिया है 2 फीट 6 इंच का, उससे हम अंदर जाएंगे WC प्लस बाथ एरिया के अंदर, यानी टॉयलेट प्लस बाथरूम एरिया के अंदर। इसका जो साइज़ है वो 7 फीट 6 इंच इंटू 5 फीट 6 इंच का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 7 फीट 6 इंच का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 5 फीट 6 इंच का है। इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये खिड़की दिया है, तो ये खिड़की हमारा यहाँ बैक साइड में खुलेगी तो आपको यहाँ से वेंटिलेशन मिल जाएगा प्रॉपरली। आप यहाँ पे WC एरिया बना सकते हैं और इस तरफ आपको पूरा बाथरूम एरिया मिल जाएगा। तो गाइज हमारा प्लान कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइज अगर आपको भी आपका प्लान बनवाना हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, तो आपके रिक्वायरमेंट और डायमेंशन के हिसाब से मैं प्लान बना के बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा चैनल पे। गाइज अभी मैंने इसका 2D प्लान वाला वीडियो बनाया है, इसके बाद मैं कल या परसों तक इसका 3D मॉडल वीडियो अपलोड कर दूंगा चैनल पे। तो गाइज जो हमारे सब्सक्राइबर जिसने कमेंट किया था हमारा ये, वो खुद एक यूट्यूबर है। तो गाइज अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।